हेलो स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है नेशनल इनकम का है जिस क्वेश्चन में गिवेन है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमें क्या निकालना है हमें निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इनकम मेथड से भी निकाल के दिखाना है और एक्सपेंडिचर मैथड्स हमारे पास जो आइटम्स गिवेन है उन आइटम्स में है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन उसके बाद है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयिज़ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम डेप्रिशिएशन भी कहते हैं यानी फिक्स्ड कैपिटल जो एसेट्स वगैरह हैं वो जो वैल्यू डिडक्ट होती है उसे हम कंजम्पशन कहते हैं उसे हम डेप्रिशिएशन भी कह सकते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेंट डिविडेंट इंटरेस्ट नेट एक्सपोर्ट प्रॉफिट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट इनडायरेक्ट टैक्स इतनी चीज़ें गिवन है तो सबसे पहले हम इनकम मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि इनकम मेथड से कैसे सॉल्व करें आपको पता होगा कि इनकम मेथड में सॉरी इनकम मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम जो इकोनॉमिक के सेक्टर लेके चलते हैं फर्स्ट तो हम तीन सेक्टर को लेके चलते हैं यानी हाउस होल्ड की जो इनकम हो हाउस होल्ड की इनकम को किस नाम से इंडिकेट करते हैं हाउस होल्ड की इनकम को हम कंपनसेशन ऑफ इम्प्लॉयज़ के नाम से डिटेक्ट करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यदि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन में गिवेन नहीं है तो आप इसको कैलकुलेट करोगे उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है सेलरी एंड वेजेज यानी एनी अदर वे में उनको कोई सैलरी मिल रही है जैसे कंपन्स एम्प्लॉयर uh, की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन है या कोई एसेट्स यूज करने के मिल रहा है वो सारा सैलरी का पार्ट होता है लेकिन इस क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉयी ऑलरेडी गिवन है तो हमें कंपनसेशन ऑफ इम्प्लॉय एक पॉइंट मिल गया सेकेंड पॉइंट में जब हम जाते हैं तो सेकेंड पॉइंट का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस यानी जो फर्म्स हैं उनकी इनकम ऑपरेटिंग सरप्लस यदि क्वेश्चन में गिवन है तो हम वहां से रख देते हैं नहीं गिवन है तो हमें क्या क्या चीज चाहिए रेंट चाहिए रॉयल्टी चाहिए प्रॉफिट चाहिए सॉरी रेंट चाहिए रॉयल्टी चाहिए प्रॉफिट चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए प्रॉफिट

तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया एक चीज़ और याद रखें इन केस यदि प्रॉफिट गिवन नहीं होता तो हमें प्रॉफिट को हम जीरो एज्यूम नहीं कर सकते प्रॉफिट को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है बट उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला बनता है आपका एक तो पहली बात जितना उन्होंने फॉर्म्स ने टैक्स के रूप में दिया है कॉरपोरेट टैक्स जितना उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसे हम क्या कहते हैं डिविडेंड और क्या होता है प्रो कॉरपोरेट टैक्स डिविडेंड एंड नेक्स्ट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये तीन चीज़ें चाहिए चीज़े। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट दिया इसलिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यानी ये जो डिविडेंड दिया है इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इनकेस प्रॉफिट नहीं दिया होता तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ता तो हमारा सेकंड पॉइंट भी मिल गया ऑपरेटिंग सरप्लस में जाते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं था इसलिए हमने कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ लाए हम लाए रेंट लाए इंटरेस्ट लाए और प्रॉफिट लाए ठीक है रॉयल्टी को हमने एज्यूम कर लिया कि जीरो है दो चीज़ें मिल गई तीसरा हमारा होता है छोटे एम्प्लॉय का यानी मिक्सड इनकम मिक्सड इनकम के कोई कंपोनेंट्स नहीं होते तो पहले हम चेक करें क्या कोई मिक्सड इनकम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कोई भी मिक्सड इनकम नहीं दिया मिक्सड इनकम को इनकम फॉम सेल्फ एम्प्लॉयड भी क्या कहा जा सकता है तो यानी यहाँ पे मिक्सड इनकम नहीं है तो हमने इसको एज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास जीरो है अब जब हमने इन इन तीनों को सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आया वो आया थ्री एट फाइव जीरो तो इनकम मेथड से जो फर्स्ट स्टेप आता है उसको हम किस नाम से इंडिकेट करते हैं एन डी पी एफ सी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बट हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें क्वेश्चन में निकालना था जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट हमें हमने तो निकाला एन डी पी एफ सी हमने निकाला एन डी पी एफ सी बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप निकालो जी एन पी जी एन पी एफ सी तो हमारे पास एन है जी में ले जाना है एन का मतलब क्या हुआ फर्स्ट एन का मतलब होता है नेट एंड जी का मतलब होता है ग्रॉस तो नेट से हमें ग्रॉस में जाना है यानी कम वैल्यू से हमें ज़्यादा में जाना है कम वैल्यू मतलब क्या हुआ नेट का मतलब ये हो गया कि जब हम कोई एसेट्स को खरीदते हैं उसकी जो रियल वैल्यू होती है वो कहलाती है ग्रॉस वैल्यू जब उसमें से यूजेस को माइनस कर देते हैं तो कहलाता है नेट वैल्यू यूजेस क्या कहलाता है डेप्रिशिएशन तो इन इस नेट में हम यदि इस नेट में यदि इस नेट में हम डेप्रिशिएशन को इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ब्रॉस एक स्टेप समझ में आया दूसरा देखो हम आ, यहाँ पे हम मैं फिर से लिख लेता हूँ हमें निकालना है जी हमें निकालना है जी एन पी एफ सी ठीक है हमने जो अभी तक निकाला है वो है एन डी पी एफ सॉरी एन डी पी एफ सी तो जी और एन को कन्वर्ट करने का मेथड समझ में आ गया कि इसके लिए हमें डाप्रिसिएशन के रिक्वायरमेंट होगी और पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा हमें एन से जी पे जाना है तो यानी किस में जाएगा पॉजिटिव जाएगा अब देखो सेकेंड सेकेंड में भी डिफरेंस है हमारे पास जो कैलकुलेट होके आया वो क्या है डी और हमें कैलकुलेट क्या करना है एन हमें हमें क्या कैलकुलेट करना है जो हमारा कैलकुलेट हो करके आया वो है डी बट हमें क्या निकालना है एन इस डी और एन का क्या मतलब होता है डी का मतलब होता है डोमेस्टिक डोमेस्टिक मतलब जो अपने इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर की जो इनकम है हमें निकालना है नेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे जाने के लिए जो आउटसाइडर है यानी जो आउटसाइडर मतलब क्या हो गया एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा डोमेस्टिक प्रदेश में मतलब जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा इधर से आना होता है तो हमें क्या करना होता है माइनस करना होता तो यहां D है तो यहाँ डी है हमें नेशनल पे जाना है तो एन एफ आई ए को एन एफ आई ए को प्लस करना है अब एन एफ आई ए को प्लस करने के लिए एन एफ आई ए भी दिया होना चाहिए एन एफ आई ए का फार्मूला क्या बनता है एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड टू माइनस फ्रॉम टू माइनस फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड इन दोनों का डिफरेंस लेके चलते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पहला जो चल रहा था अभी हमें जी डी हमारा जो सॉरी हमारा जो चल रहा था यहाँ पे कि हमारे पास एन डी पी एफ़ सी निकल गया है जी एन पी एफ़ सी निकालना है तो फर्स्ट हमने एन और जी का कैलकुलेशन कर लिया कि हमें इसके लिए चाहिए, इस डी और एन का को समझ लिया कि इसके लिए हमें एन एफ आई ए चाहिए P और P तो सेम हो गया एफ और एफ सेम है यानी इसे दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले एन डी जो हमारे कैलकुलेट होकर के आया वो हमने फार्मूले में रख दिया इसके बाद हमें डाप्रिसिएशन चाहिए तो क्वेश्चन में देखो डाप्रिसिएशन आपका गिवन है डेप्रिशिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्सड कैपिटल भी कहते हैं तो डाप्रिशिएशन गिवन है तो डेप्रिशिएशन का जो हंड्रेड रुपीज़ था वो यहाँ पर आ गया डेप्रिशिएशन की जगह पे हंड्रेड रुपीज़ इसके बाद हमें क्या चाहिए एन एफ आई ए चाहिए एन एफ आई ए भी देखिए आपका गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड तो एन एफ आई ए भी आपका आ गया लेकिन एन एफ आई ए आपका नेगेटिव दिया है माइनस फिफ्टी दिया हुआ है तो अब इन तीनों को हम यहाँ पे लेके आएँ थ्री एट फाइव जीरो डाप्रिशिएशन और एन एफ आई ए अब इन तीनों को सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर क्या बन गया हमारा आंसर मिल गया थ्री नाइन डबल जीरो जिसे हम किस नाम से शो करेंगे इसे हम शो करेंगे जी एन पी एफ सी ठीक है ये करोड़ में चल रहा था रुपीज़ इसलिए से हमें करोड़ यहाँ इंडिकेट करेंगे अब नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड से भी करिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इनकम तो समझ में आ गया अब है एक्सपेंडिचर मेथड से करना है तो एक्सपेंडिचर मेथड से करने के लिए <coughs> हमारे पास यहाँ पे हमारी हमें चारों इकोनॉमी को लेके चलना पड़ता है यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस फॉर्म का एक्सपेंसेस और आउटसाइडर यानी नेट एक्सपोर्ट इन चार चीज़ों को चाहिए ये चार चीज़ें आपके दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन इसके अलावा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे नेट डोमेस्टिक दिया यदि हम नेट लेके चलेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो नेट पे आएगा या चाहे तो हम इसको कन्वर्ट करके नेट को हम जी में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे नेट और जी का वही पे मेथड हमें डाप्रिसिएशन लेके जानना पड़ेगा तो यहाँ पर जब हम आएँ तो यहाँ पर देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर गिवन था ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड इसके बाद आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर ये भी गिवेंड था यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिविन था नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये क्वेश्चन में था नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो नेट को हमने जी में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिशिएशन को यहीं प्लस कर दिया ये हमारी तीनों चीज़ें हो गई ये 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 तीनों चीज़ें हो गई इसके बाद आउटसाइडर <coughs> का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये करके दिखाते हैं तो ये आपका आ गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे दिया है नेट एक्सपोर्ट नेट दिया तो यानी ऑलरेडी माइनस किया हुआ है ये जब हम चारों को सॉल्व करेंगे इन जब चारों को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा हमारी निकल के आएगी ये हुआ ये डोमेस्टिक लेवल पर आएगी इसलिए हमने इसमें एन एफ आई ए को इंक्लूड कर दिया तब ये जा कर के हमारा उस लेवल पे हुआ और इसके अलावा एम पी से एफ सी में जाने के लिए एनआईटी को माइनस किया तो ये हमारा बन गया जी एन पी एफ सी आई थिंक आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लूंगा उसमें एक क्वेश्चन इनकम मेथड का और एक एक्सपेंडिचर मेथड का अलग अलग कराऊंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और इस तरीके की वीडियो से यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए तो मैं ऐसे वीडियोस बना के आपको अपलोड करूं और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो हमारा भी चैनल अब बहुत ही एट नाइन एट सेवेंटी सेवन सब्सक्राइबर हो चुके हैं थाउजेंड की नीड है यानी बहुत कम ही बाकी हैं प्लीज़ इसको भी फॉलो करिए थैंक यू